हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकेएस रिएक्शन चैनल, जहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिलता है कॉमेडी वीडियोस ट्रेलर्स का। तो आज हम लेके आए हैं ट्रेलर, नहीं स्टैंड अप कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडियन है हर्ष दुबियाल, उसकी वीडियो आई है नो लाइज लाइज मैन। तो चलो आज हम उस पर रिएक्शन देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, बताना सब्सक्राइब करना बोले। तो चलो आज हम चालू करते हैं। युवा चालू डिस्क्लेमर। हर्ष गुजराल क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हाल है, कैसे हैं? शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत बढ़िया। ग्राउंड अप्लॉज़ योरसेल्फ एक बार। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोग का। क्या करती हैं आप लोग? क्या करती हैं? कुछ नहीं। हे हे हे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बनना चाहती हो? ओहो, एक्ट्रेस। एक्ट्रेस बन जाओगी सीधे? बहुत बढ़िया। किस टाइप की एक्ट्रेस? कहाँ जाना, क्या एक्ट्रेस आप लोग लगता है एक्ट्रेस बन जाएगी? लगता है तू जहाँ सुंदर लेके बनेगा स्पॉट बॉय कि मैं तो मैडम को ही देखता रहूंगा। क्या नाम है आपका? फरिश्ता। फरिश्ता भाई आज शानदार। फरिश्ता नाम रख दिए? पैदा होते क्या सोचा मामा ने, फरिश्ता हुआ मैं, वही रख दे क्या ना। आप क्या करती मैम? पढ़ाई है, स्टडी। मुझे पता पढ़ाई की इंग्लिश स्टडी होती है। मैं इतना भी गवार नहीं हूं, ठीक है, और ना मैं एक्ट्रेस बनना चाहता हूं। क्या पढ़ रही हो? बीकॉम। हो हो हो, बीकॉम ऑनर्स। हम भी यही कह रहे थे, खत्म कर लिया आपको, हम भी कर चुके हैं। कितनी लड़कियां यहाँ पे कहती कि हमें लड़के बिल्कुल पसंद नहीं, लड़के बहुत गंदे हो गए, बदतमीज हो गए, और हम लड़कों को डेट नहीं करना चाहते। कौन बताएगा? एनीवन, कोई नहीं होगा। बताओ, कुछ तो होगा मन में लड़कों को लेके, या कौन बेटर है आपके हिसाब से? कौन सा जेंडर बेटर है, मतलब लड़के या लड़कियां? लड़कियां बेटर है, लड़कियां बेटर है। क्यों? क्योंकि अच्छी हो। हम लोग क्या गुदगुदी करके भाग जा रहे? हमने क्या बुरा कर दिया तुम्हारे? अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या समझ आ रहा है, मतलब क्या ऐसा लड़के को समझ में आ रहा है जो लड़कों को नहीं आ रहा? एक एग्जांपल दे दो बस। घर की सिचुएशन, तुमने कब ब्याह कर लिया? मुझे लगता है लड़कियां बेटर है हर मामले में। आप लोग कभी भी इकट्ठे भी जाते हो, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाने जाते हो, तो कौन बेटर लगता है आपको, ऑर्डरिंग में या आपको उन चीजों में? कौन एटिकेट्स वाइज कौन बेटर? एक टेबल एटिकेट्स होते हैं, उनमें कौन बेटर लगता है आपके हिसाब से? क्या है वो टेबल एटिकेट्स? गर्ल्स ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि एक दो चीजें मैं जानना। हाइजीन। क्या बोला? हो सकता है उनका कुछ और प्लान हो। सही कह रही है, लड़कियों में एटिकेट है भाई, लड़कों को तो टेबल एटिकेट के नाम पे सिर्फ टेबल पता है। मतलब आप सोचो कि फॉर्क और नाइफ, आज तक लड़कों को पता ही नहीं कि कौन से हाथ में कौन सा पकड़ना है, आप समझ रहे हो? और इनसे पूछो फॉर्क और नाइफ तो छुरी कांटा बोलते। मेरा एक दोस्त डेट पे गया, पहली बार भाई दोनों छुरी कांटे इस हाथ में पकड़े हुए और इस हाथ से दाल चावल खा। लड़की से पूछ रहा मेरे साथ कैसा लगा, शराब देगी तुम मेरे नाम किसे करियो को, फरिश्ते बन जाओ। हाँ भाई, मैंने एक लड़की को रोस्टेड चिकन भाई वो छुरी कांटे से खाते हुए देखा था, वो ऐसे दोनों छुरी कांटे से ऐसे कर रही थी लेग पीस के ऊपर भाई, सब वो चिकन की आत्मा बाहर आ गई।
रहती की बहन मुझे गुदगुदी मत कर, या तो खा ले नहीं तो मुझे जाने दे, मैंने जान दे दी तुझे मजाक सुन। लड़के जाते हैं चाइनीज रेस्टोरेंट में, आप देखो कभी जाके चॉपस्टिक रखे हुए हैं, आधा इंडिया अभी तक यही सोच रहा है कि ये साला हमारा डांडिया क्यों छोटा कर दिया। डांडिया छोटा कर दिया यार। हाँ भाई मैं अपने दोस्त के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट गया, कह रहा है ये दातुन दे रखा है क्या। हाँ भाई दातुन दे रखा है, जो बाद में लाइन देते ना वो हाथ धोने के लिए, भाई उसको सोडा समझ के पी गया वो डाल के नहीं छोड़ा। कह रहा कितने अच्छे लोग हैं, पहले ब्रश कराया फिर खाना खिलाया, आप पेट पे हजम भी करवा। मुझे थोड़ी दिन पहले पता लगा कि टेबल पे खाना जब सब लोग खा रहे हैं तो वेट करना पड़ता है जब तक सब खाना ले उठने का। हमारे घर में आए पार्टी रखी थी, एक लड़की आई बाहर से अपनी छोटी बहन के साथ, भाई वो बैठ रही, मैंने कहा जा तूने खा लिया कुल्ला उल्ला कर जाएगी। कह रही बैड मैनर्स। क्या बैड मैनर, कह रही जब तक सब नहीं खा लेंगे मैं नहीं उठूंगी। भाई 3 दिन तक बैठी रही, और लड़के खा रहे थे, उसकी छोटी बहन बड़ी होगी, उसकी एफडीआई मैच्योर हो गई। हम लोग को तुम लोग लेवरेज मत दो, लड़कियों में बता रहा हूँ ये सब, हम लोग फायदा उठा लेंगे इस चीज का। हम तो रेस्टोरेंट जाते हैं वहां से चीजें चुरा के ले आते हैं, सौफ हमारे घर पे रखी हुई है, मिश्री हमारे घर रखी हुई है, मैं तो पॉकेट स्क्वायर चुरा लाता हूँ, तो ऐसे बना के देते भाई उतना। मैंने 6 शादियों में चला लिया पॉकेट स्क्वायर, मैं घूम रहा, मैं अपने दोस्त की शादी में लड़का और लड़की बैठे, मैंने कहा पॉकेट स्क्वायर कौन सा ब्रांड है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने आम्रपाली रेस्टोरेंट। लड़कों में नहीं है टेबल एटिकेट, तो मैंने लड़कों पे कोई एटिकेट नहीं, हम पे किसी चीज का शहूर नहीं, हम पे तो पार्टी का है, बिल्कुल पार्टी एटिकेट है हम लड़कों पे। तुम लोग पार्टी वार्टी करते हो, कहाँ कैसे करते हो पार्टी, जरा बताना कहाँ जाते हो पार्टी के लिए। क्लब में तेरी एंट्री हो रही है। घर में कैसा सीन है आप लोग, पार्टी वार्टी अलाउड है आप लोग के, तो आप लोग क्या झूठ बोल के जाते हो फिर, जैसे लड़कियां क्या झूठ बोलती हैं, कुछ बताएंगे कि मैं ये झूठ बोल के पार्टी करने गई अपने फ्रेंड के साथ। ऑफिस टाइमिंग लेट हो रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। लड़कों का पता क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, दादा मर गया। भाई मेरे कॉलेज में एक लड़का था अंकित नाम का, उसका दादा 8 बार मार दिया मैंने, 8 बार दादी चाचा चाची मार दिए, थे भी नहीं उसके, आप समझ रहे हो। मेरी माँ ने एक दिन बुलाया मेरे को, कह रही एड्रेस पे अंकित को छोड़ा, मैंने किस चीज का एड्रेस है, कह रही है अनाथ आश्रम है, उसके घर में कोई बचा नहीं है। हाँ भाई एक दिन तो मैं उसकी दादी का बर्थडे मना रही, मम्मी कह रही है तो मर चुकी है, मैंने बर्थडे लौटाती हूँ, इसको केक खाने का शौक है, मम्मी को भी दादी पे ट्रस्ट इश्यूज हो गए फिर। यार अलग अलग बहाने हैं लड़कों में, लड़के गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, मैंने देखा पार्टी में जाना है कहीं घूमने जाना है, 3 दिन पहले मम्मी के हाथ जोड़ रहे हैं, आपके लिए खाना बना दूं मैं, सब्जी ले आऊं मैं, मेरे को अपने दोस्तों के साथ गोवा जाना था, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करवा चौथ रखा था, उस दिन करवा चौथ था भी नहीं, मैंने सूरज देख के व्रत तोड़ा। मेरा एक दोस्त कहता है अब हम बैंकॉक चलेंगे, मैं मन में सोच रहा हूँ कि भाई गोवा के लिए तो हमने करवा चौथ रख लिया, बैंकॉक के लिए तो प्रेग्नेंट होना। लड़कों को आप 24 घंटे में कभी भी फोन कर लो, भाई हाँ चले हाँ चलो, कभी भी फोन कर लो, ये मरे पड़े हम उड़ जाएंगे, हाँ चलो। हाँ मेरे को तो जब भी फोन आता था मैं किसी भी हालत में, भाई बस मैं पापा की जेब से 500 गुना निकाल के पहुंच रहा हूँ, हमेशा मेरा यही बहाना होता था। एक दिन तो मेरा बाप का फोन आ गया, कह रहे बेटा कहाँ हो, मैंने कहा बस पापा की जेब से 500 गुना। कह रहे तेरा बाप भी बोल रहा हूँ, मैंने कहा ये कहाँ से। हमारे कॉलेज में रोज पार्टी होती थी भाई, कभी भी मैं कभी कभी हॉस्टल में रहूँ ना, मैं कभी कभी मैं हॉस्टल से उठता था ना, सोता था रात को, सुबह उठता था तो किसी और शहर में किसी और गाड़ी में बैठा होता था। कहाँ जा रहे हो, मथुरा जा रहे हैं चाचा की चाय पीने। इनका लड़कों का खुद का चाचा जो है वो 7 महीने 7 साल से गायब है, किसी को कुछ नहीं पता, चाचा की चाय पी रहे हैं, आंटी के मोमो खा रहे हैं, अंकल की मैगी खा रहे हैं, भाई वाइफ चेक करते नहीं, लड़कियां वाइफ चेक करती हैं, म्यूजिक कैसा है, डीजे कौन बजा रहा है, लड़के सिर्फ एक ही चीज चेक करते हैं, बताओ क्या, स्टैग एंट्री वाला, यहां थोड़ी आ जाएगा भाई, बातों बातों में यहां एंट्री कर लेंगे। हाँ भाई मेरी जॉब नहीं लग रही थी, पापा बहुत परेशान थे कि इंटरव्यू क्या है, मैं और हम पार्टी में ध्यान था सिर्फ, और पिताजी को क्या बोले, क्या बहाने बनाए, कोई बहाने नहीं, मैंने पिताजी बोले मैंने पापा शिमला जाना है वहां पे इंटरव्यू है। इतना इमोशनल हुआ मेरा, वहां कह बेटा बेस्ट ऑफ लक, 4 दिन बाद पार्टी करके आया हूं मैं, पापा कह रहे क्या हुआ इंटरव्यू निकल गया, मैंने कहा एक राउंड निकल गया, दूसरा मनाली में। भाई 12 राउंड दे चुका हूं मैं,
हर शहर में घूमते रहता हूँ, कहीं भी ले जाओ, फर्क बहुत है। आप देखो ना, आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे डरते हो ना, आप मम्मी से पूछोगे मम्मी पार्टी करने जाना, फिर भी एक इमोशनल लैंग अगली जा बेटा आ जाइए टाइम से, 12 बजे 1 बजे 10 फोन के बाद तुम्हारी माँ को लगता है कि चलो अब टकरा गया हुआ ट्रक से। माओ को तो लगता ही ना, आप लोग माँ तो माँ होती तो बाप क्या होता, माँ होता बाप, बाप नहीं होता आ जाएगा ऐसा, हम सबका बाप नहीं होता आ जाएगा। हम लोग लड़कों के बाप फोन करते हैं ना कि बेटा कहाँ हो, दूसरा फोन मत उठाओ, तो कहते पेन लेते आना, क्यों, वो जायदाद से अलग करना है। जायदाद किसको बोलते हैं हमारे बाप, पहले तो ये बताओ। 1 BHK में रह रहे हैं लक्ष्मी नगर में, हॉल के अंदर किचन पड़ती है हमारी, निकलते हैं तो रस्ते में सिलेंडर टकराता है, जायदाद 1500 के लिए कलम क्यों उठानी। और मैंने देखा कि हम जितने भी लड़कों का ग्रुप है ना, लड़कियां जब भी आप किसी लड़की कोई लड़की जब घर से झूठ बोल के जाती है ना, कभी भी आप देखना अगर उसके पेरेंट्स उसकी सहेली के यहाँ फोन करते हैं कि इसके यहाँ गई है, वो मना कर देती हैं लड़कियां कि हमारे यहाँ तो नहीं आई, क्योंकि आई नहीं, कहीं और गई हुई है। आप किसी लड़के के घर फोन करो जो झूठ बोल के गया, उससे बोलो हर्ष है आंटी मेरे साथ सो रहे हैं, अभी वॉशरूम में था, 2 साल से मेरे साथ। हर लड़के का एक एक्स्ट्रा बाप है, मैंने देखा जिसको वो लाके घूम रहा है, ये नकली बाप है मेरा, कहीं भी लगा देंगे इसको। हाँ मैं एक बार स्कूल में चीटिंग करता हूँ, पकड़ा था, टीचर ने पकड़े, कह रहे पापा को फोन मिला, मैंने तुरंत उस लड़के को फोन मिला, मैंने कहा पापा को चीटिंग करते हुए पकड़े गए, टीचर से बात करो, वहां से सेम आवाज आ रही, कह रहे पापा हम भी चीटिंग करते हैं। टीचर उस दिन बहुत गुस्सा हो गई थी हमसे, टीचर ने हमारे बाप को भी बुला लिया, उस लड़के को बुला लिया, उस लड़के के सारे बाप टीचर इकट्ठे हो गए और बोल रही टीचर मेरे पापा से कि आपका बेटा चीटिंग करता है और इसके नकली बाप भी है। टीचर ने पता मेरे पापा की तरफ देखकर मेरी तरफ देख के क्या बोला, नकली बाप बनाते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती। मैंने कहा आपका क्या मतलब है, कहती पता है क्या होता है, मैंने कहा क्या होता है, कहती बैड मैनर्स। माफ कर दो बहन। मेरे पापा ने पता क्या जवाब दिया, कहते मैडम आपको तो पता ही है, बिकॉज मैन विल बी मैरिड। थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, ब्रिलियंट ऑडियंस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ, एक बार अपने लिए ताली बजाएं, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैन। बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, आपने देखा इसमें बहुत ही तगड़ा पंचलाइन थी, होस्ट बहुत अच्छा किया। आप अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज हम इतना करते हैं, आज के लिए थैंक यू।